हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या ब्रेस्ट फीडिंग के पहले ब्रेस्ट को, निप्पल को क्लीन करने की जरूरत है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे मदर्स के दिल में आता है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड अ लैक्टेशन कंसल्टेंट। प्रेग्नेंट कपल्स का जर्नी नॉलेज के साथ और कॉन्फिडेंट बनाना, ये मेरा पैशन है। और न्यू मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करना, ये मेरे लाइफ का ड्राइविंग फोर्स है। अगर आपको इसमें मेरा कुछ हेल्प चाहिए तो लेट मी नो, आई शैल बी देयर। अब जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के पहले क्या इसको क्लीन करना चाहिए। कई सारे मदर्स को ऐसा लगता है कि सिजेरियन या डिलीवरी के बाद जब भी बच्चे को फर्स्ट फीड करते हो तभी हम लोग को ब्रेस्ट, निप्पल और ब्राउन एरिया क्लीन करना चाहिए। द आंसर इज नो। अनलेस आपने वहाँ पे कुछ लगाया है खुद होके, दवाई, क्रीम, तो आपको उस एरिया को क्लीन करना है। अदरवाइज आपको वैसा कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान अगर ऊपर कुछ दवाई लगाया तो हम लोग को क्लीन करना चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड नो, अनलेस किसी कंसर्न की वजह से डॉक्टर ने ब्रेस्ट या निप्पल एरिया को चेक किया है तभी डॉक्टर वहाँ पे हाथ लगाता है। अदरवाइज थ्रू आउट द डिलीवरी प्रोसेस कभी भी ऊपर के हिस्से में कोई भी डॉक्टर कोई भी दवाई नहीं लगाते हैं, तो ब्रेस्ट के ऊपर कुछ भी दवाई नहीं लगा है। सो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है। बट फिर शायद क्लीन करने में हर्जी क्या है? क्लीन करके बच्चे को पिलाते तो अच्छा है ना? इनफैक्ट इट्स वेरी वेरी निगेटिव। बच्चे का ब्रेस्ट के साथ अटैचमेंट स्मेल की वजह से होता है। मैं कई बार न्यू मदर्स को पूछती हूँ कि आपके बच्चे को कैसे पता है ये मेरी मम्मा का ब्रेस्ट है और मुझे यहीं पर मुँह खोलना है। ये बच्चे को स्मेल की वजह से पता है। तो आप लोग जब भी बच्चे को ब्रेस्ट के पास लेके जाते हो तभी बच्चा यहाँ पे स्मेल करता है, तभी बच्चे को वो स्मेल के साथ कनेक्ट फील होता है और फिर बच्चा लैच के लिए मुंह खोलता है। एंड दैट हेल्प्स यू फॉर अ बेटर लैच। एक और अमेजिंग फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, माँ के ब्रेस्ट, निप्पल और ब्राउन एरिया का जो स्मेल होता है ये बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड से एग्जैक्ट मैच होता है। तो ये बच्चे को ये फील देता है कि ये मेरा है और तभी वो लैचिंग और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोग हर बार उसको क्लीन करते जाओगे तो आप लोग इस स्मेल को कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। एक लास्ट चीज़ जो लोगों के दिल में आता है, मेरा बहुत सारा पसीने का स्मेल आ जाएगा इसीलिए मुझे क्लीन करना है। आइडियली अवॉइड। प्योर कॉटन के ब्रीदेबल कपड़े पहनो, ब्रा भी प्योर कॉटन की ब्रीदेबल कपड़े की ब्रा पहनो, ओवर टाइट ब्रा, स्क्वीजिंग ब्रा, कंपल्सिवली निप्पल पैड्स, ऐसी चीज़ों को यूज़ मत करो, कंफर्टेबल रहो। अंडर आर्म्स का जो पसीना आता है, आपको बॉडी पे जो पसीना आता है उसको बहुत अच्छे से क्लीन रखो। अगर आपको बॉडी ओडर का इशू है पसीने की वजह से तो आपका सराउंडिंग वेंटिलेटेड रखो, एयरेटेड रखो, पंखा, एसी, कूलर जो भी चाहिए उसको चालू रखो। बट एक चीज़ याद रखो, बार बार उसको पहुँच के उसका स्मेल निकाल देना इज नॉट सजेस्टेड एट ऑल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। एज अ न्यू मदर एन्जॉय योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल आउट इफ नीडेड। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।